सीनियर सहाफी और तजिया कार नुसरत जावेद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कत्ल करवाने की कोशिश की है। ख्याल रहे कि सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो भी बेशतर सहाफ़ियों की तरह इस्लामाबाद में मुकीम हैं। वफाकी दारुलहकूमत को ये एजाज़ भी हासिल है कि यह सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज तरीन इलाका समझा जाता है। रात के नुसरत जावेद ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इस वक्त 1:16 हो रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। एक और ताकीदी ट्वीट में नुसरत जावेद ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अभी अभी मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। सीनियर सहाफ़ी रज़ा रूमी ने नुसरत जावेद पर कातिलाना हमले की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया तो नुसरत जावेद ने कहा कि भाई ये बहुत ही शदीद किस्म का कातिलाना हमला था और इस पर ट्रोल्स का रद्देअमल देख लें। मैं सिर्फ इन्हें इसलिए रीट्वीट कर रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पर आ सकें। सिर्फ इसी एक तरीके से बताया जा सकता है कि मुझ पर होने वाला हमला कितना शदीद था। सिराज नामी एक सारिफ ने नुसरत जावेद से सवाल पूछा कि कहीं कत्ल से मुराद मुआशी कत्ल तो नहीं। नुसरत जावेद ने इस ट्वीट के जवाब में वजाहत करते हुए लिखा, मुझे इस तरीके से कत्ल करने की कोशिश की गई है कि यूं लगे जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए हादसा हुआ हो। मैं पीटीआई के ट्रोल्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे शक को तकवीत दी। नुसरत जावेद ने एक और ट्वीट का जवाब देते हुए वजाहत की कि इन्होंने मौत को सिर्फ 3 से 5 मिनट की दूरी पर चकमा दिया और वो जानते हैं कि ये सब किसने किया।